Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So guys, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं CDAC CCAT 2021 एग्जाम के बारे में. जी हाँ गाइज, आप लोगों का जो CDAC CCAT 2021 का जो एग्जाम है वो री एग्जाम होने वाला है. CDAC का आप लोगों का जो 2020 का री एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. सो गाइज, कौन सी डेट पे आप लोगों का री एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, कब आपको जो है री एग्जाम का जो है री एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, इसके बारे में हर एक डिटेल डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे CDAC CCAT 2021 री एग्जाम के बारे में और डिटेल में जानना. सो अगर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का जो CDAC CCAT 2020 का जो री एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो गाइस 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आप लोगों के लिए डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल रहेगा. तो 6 से 12 मार्च के बीच में आप लोगों का अपना जो है री एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लेना होगा. और आप लोगों का जो री एग्जाम है गाइस वो 13th एंड 14th मार्च को गाइस आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. सो गाइस, ये वीडियो बनाने का हमारा मेन मोटिव यही था कि हम आप लोगों को जो है CDAC CCAT के एग्जाम के डेट्स के रिगार्डिंग अपडेट कर पाएंगे, री एग्जाम और री एडमिट कार्ड आप लोगों का अवेलेबल रहेगा. और आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपको CDAC की छोटी से छोटी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें. थैंक यू फ्रेंड्स.